साड़ी खोल के अलग कर दिए, मारपीट किया, साड़ी उड़ी पूरा खोल दिया, हाँ पूरा मारपीट हुआ है साथ में। जमीनी विवाद में दूल्हे ने खेला खून से होली। दूल्हा और उसके परिवार वालों ने गर्भवती महिला को बेरहमी से पीटा। बताया जाता है कि कुछ महिलाओं को साड़ी खोलकर नंगा कर बेरहमी से पीटा गया है। देखिए रिपोर्ट पंकज कुशवाहा, आईना प्लस, सच दिखेगा तो बोलेगा। ठीक, पैर में भी लगा हुआ है, पेट में भी। अच्छा, कैसे झगड़ा कैसे हुआ आप लोग का? कौन सा गांव का मामला है ये? कारोडी लहंगिया का। अच्छा, झगड़ा का मेन जड़ क्या है? इसे हम लोग कल घर बना रहे थे। अच्छा, आप लोग घर बना रहे थे? हम लोग रोक दिए। हाँ, हम लोग रोक दिए, कल पुलिस गई तो रोका दिए। हाँ, तो फिर आज भी इधर से गया। हाँ, तो वो पुलिस इधर से जांच उसको रख करके फिर उधर आ गए, वापस आ गए। उसके बाद मेरे लाठी चलाने लगा पुलिस आने के बाद। अच्छा, पुलिस आने के बाद लाठी डंडा हुआ, पुलिस चलाया गया। हाँ, उसके बाद में पूरा लाठी चलाने लगे और हम लोग बाहर में थे। उन लोग क्या नाम हुआ आपका? काजल दास। अच्छा, किसके द्वारा मारा गया, मारपीट हुआ? किशोरी, हाँ, और फिर फुलचंदन, हाँ, और फिर राम किशन, सुरेश, हाँ, देवानंद, हाँ, अशोक, हाँ, और फिर क्या राधिका। अच्छा, आपके साथ सिर्फ मारपीट किया? हाँ, गया सब मारपीट किया, साड़ी उड़ी पूरा खोल दिया। हाँ, पूरा मारपीट हुआ है साथ में, साड़ी खोल के अलग कर दिए, नहीं खोल पाते हैं, चोट लगे नहीं देखा। अच्छा, हाँ, ठीक। क्या नाम हुआ आपका? गुड़िया दास। अच्छा, आपके साथ भी मारपीट हुआ है? हाँ सर, हुआ है। अच्छा, के मारे आपको? मारा है रामकृष्ण। हाँ, और राधिका दास। हाँ, और देखिए देवानंद। अच्छा, देवानंद। पूरा मार के सब लोग को पसार पुलिस के, फैमिली को। हाँ, पुलिस जैसे वहाँ से निकला, पुलिस निकलने के बाद इस लोग मारने लगा, पूरा आपके पूरे फैमिली को मारपीट किया, फैमिली को, कोई बचा नहीं है। अच्छा, अच्छा, आप लोग के साथ भी मारपीट हुआ है? हाँ, ये लोग को भी रखिए। क्या नाम हुआ आपका? हेमंती दास। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? धानेश्वर रविदास। अच्छा, आपके साथ मारपीट भी हुआ है? हाँ, हुआ है। प्लान से बना के उन लोग रखा था, हम लोग को लाठी डंडा से मैंने एकाएक हम लोग को हमला कर दिया, सभी मारपीट किया। अच्छा, हम देख रहे हैं, ये हुआ है आपके साथ मारपीट। हाँ, और कहीं चोट है? दोनों पैर में पूरा लगा है ना? हाँ, देखिए सूजन आ गया है। ठीक है, मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद दास, पिता कार्तिक दास, ग्राम कारोड़ी, थाना जमुआ, जिला गिरिडीह। आज की घटना ये है कि कल रात को हमारे पिताजी जमुआ से घर गए और मैं झारखंडी गया था। जमुआ से घर हमारे बाबूजी गए तो वहाँ देखे कि पूरा घर में देवनंदन दास वगैरह जितना अभी अभियुक्त गण है सारे लोग पूरा गाली गलौज कर रहे थे। कल का घटना है ये, गाली गलौज कर रहे थे तो वहाँ बाबूजी पूछे क्या कारण है, क्यों गाली गलौज कर रहे हो? तो इसी दरमियान वो लोग हमारे बाबूजी के साथ मारपीट किए और जो कुछ ATM से पैसा उठा के ले गए थे उनको छीन लिया, रामकृष्ण दास और पूरन दास छीन लिया था। तो उसी हम 9 बजे जब वापस आए, झारखंडी गए थे, वहाँ से वापस आए तो इस घटना को देखे, तो रात को 10 बजे हम पुलिस प्रशासन के पास जाके आवेदन हम लोग बाबूजी को लेके आए दिए रात को। और वही रात को आवेदन देने के बाद आए 2 बजे के लगभग पुलिस हमारे गांव आई जांच में। जांच में आने के बाद जैसे ही पुलिस यहां से वापस तारा की ओर निकली, जैसे निकली तुरंत पूरे हरवे हथियार के साथ ही लोग, हमारा एक ही गली में हमारा घर पड़ता है, और ये लोग सारे लोग मिल करके देवनंदन दास, देवनंदन दास, अशोक दास, रामकृष्ण दास, सुरेश दास, पंकज दास, किशोरी दास, पूरन दास, प्रेमा देवी, लीलावती, राधिका रविदास और देवकी देवी, कर्मी देवी और शंकर दास जो माधोपुर का उसका दामाद है, वो सारे लोग एकाएक हमारे गली में एकाएक वो लोग दौड़ पड़े, जिसका जिस तरह से दौड़े और सारे जिनके लोगों को मारपीट किया, ये मैं एफआईआर में लिख दिया हूँ। और बाकी बात वीडियो भी मैं बनाया, बचने के लिए मैं चिल्ला रहा था, अगर मैं छुप छुप के वीडियो नहीं बनाता, छत पे चढ़ के वीडियो नहीं बनाता, किसी के घर में घुस के वीडियो नहीं बनाता बाहर से, तो वो लोग पहले टारगेट था मुझे मारने का, क्योंकि सबसे पहले हम लोग अभी फिलहाल हमारे घर में 2 परिवार हैं, 2 मैंने मेरे बाबूजी और हम ही हैं, बाकी मेरे भाई लोग कलकत्ता में अभी काम धंधा उधर कर रहे हैं, तो उन लोगों को हम लोग को मारने का पूरा प्लान था। जिससे वजह से अब वो लोग जब हमला बोल दिया और एक एक करके सारे लोग
विचार बना के मार रहे थे सारे लोग को घसीट घसीट के, और बोल रहे थे कि माथा छोड़ के मारो, माथा छोड़ के मारो। देवनंदन दास जी सबको, मेरे बाबूजी को मारा, मेरे भावो काजल को मारा, गुड़िया दास को मारा, सारे लोग ये सब मिलजुल के इतना मैंने मार पीट किया है कि सारे लोग जख्मी हैं और अभी अस्पताल में जाँच के लिए आए हैं। थाना में हम लोग सबसे पहले आए। अच्छा, महिलाओं के साथ भी मारपीट हुई? महिलाओं के साथ भी मारपीट किया गया है, और काजल काजल दास के साथ एक और महिला है जिसके साथ भी मारपीट हुआ अभी आई है। तो इस तरह से घटना है। थाना में सबसे पहले हम लोग पहुंचे, थाना प्रभारी हम लोग को। तो आप लोग के साथ चोट सबसे ज्यादा किनको आया? सबसे ज्यादा चोट हमारे कार्तिक दास को आया है और काजल दास को आया है, दाहिने हाथ में और पेट में। जो वो गर्भवती है उसके चोट आया, और हेमंती देवी को चोट आया सर में। सर में? अच्छा, सर में ठीक है। अब महिलाओं के साथ सिर्फ मारपीट किया गया ना? मारपीट किया और छेड़छाड़ किया गया है। सुरेश रविदास जो है कि साड़ी खींच दिया, बाल पकड़ के घसीटने लगा, साड़ी खुल गया। और ये पूरन रविदास और रामकृष्ण दास लात से पेट में मारा है।